हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो आज इस वीडियो में मैंने लेकर आया हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सी कॉइल मींस सर्कुलर कॉइल। सो इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग अ सर्कुलर कॉइल। सो वॉट आई मेड अ वेरी सिंपल सर्किट। इसमें मैंने एक ऐसी कॉइल ली है, देखिए ये सर्कुलर एक कॉइल ली है ये, और इसका कनेक्शन मैंने एक बैटरी से किया हुआ है। बैटरी में मैंने यहाँ पर एक की ली हुई है एंड की इज क्लोज्ड। की इज क्लोज्ड मीन्स स्विच इज ऑन, सो देर इज सम करेंट आई इज फ्लोइंग इन दिस मैनर। यस, आई इज फ्लोइंग इन दिस मैनर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिएगा, अगर मैं ये कंडक्टर को ऐसा कंसीडर करूं, बहुत स्मॉल पार्ट लो सर्कुलर कॉइल का, सो इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो मैं इसमें राइट हैंड जब थंब रूल का यूज करूंगा तो ये थंब को ऐसा रखूंगा, स्ट्रेट रखूंगा, और ये फिंगर्स को ऐसा रखूंगा। सो ऑल फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएंगी। कैसे आनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। बट जब करेंट इस साइड में आएगा तो ये जब हमें अगेन फिर से किसका यूज करूंगा, राइट हैंड थंब रूल का, तो डायरेक्शन ऑफ करेंट विल बी शोन बाय थंब। तो इसको डाउन किया तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे जाएंगी? क्लॉक वाइज। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन। अंडरस्टूड? अब जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, ये फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट से देखूंगा तो ये जो पोल है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई जा रही है? Going inside है, तो inside जा रही है। जब direction किसी coil में front से हम देखते हैं, और अगर हमें direction क्या हो current की anti-clockwise हो, तो front वाला part हमें south pole की तरह behave करेगा और back side pole north pole की तरह behave करेगा। So overall अब हमने क्या किया, इस circular coil से जब current flow किया तो magnetic field बनती गई, तो हमने कुछ observation observe किए। So I written here already all observation and we will calculate magnitude की magnetic field का magnitude हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे increase कर सकते हैं, कैसे calculate कर सकते हैं, we will discuss about this। तो circuit एक बार देख लीजिए और उसके बाद में observation क्या देखे हैं वो देख लेते हैं। So the magnetic field lies near the coil are nearly circular and concentric। देखिए यहाँ पर ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का स्मॉल पार्ट लिया था, ये स्ट्रेट कंडक्टर बोल रहे हैं, तो ये देखिए नियर अबाउट सर्कुलर है कॉइल। जो कॉइल है उसके नियर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी वो क्या बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी, और उन सभी का सेंटर भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, राइट? एंड ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंसीडर की है? वी आर टेकिंग दिस पार्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, देन वी कैन कैलकुलेट these field lines by the help of right hand thumb rule. By right hand thumb rule we calculated this thing. Second, the magnetic field at the center of the coil can be taken to be uniform. मतलब ये coil के जो center है इसमें हम magnetic field को कैसे consider कर सकते हैं? As a uniform consider कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी field lines आएंगी वो सब field lines कैसी हो जाएंगी? Parallel हो जाएंगी। तो field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें या आगे जब हम स्टडी करते हैं आगे क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इफ वी आर शोइंग फील्ड लाइंस इन पैरेलल मैनर, सो वी कंसीडर दोस फील्ड एज अ यूनिफॉर्म फील्ड। सो दिस इज एट द सेंटर वी कंसीडर एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। सेंटर में हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा कंसीडर ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि वहां पर पोल्स होते हैं और पोल्स के बाद मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। सो यू अंडरस्टूड दीज ऑब्जर्वेशन, अदर ऑब्जर्वेशन आल्सो ऑब्जर्व देयर, बट वी आर जस्ट राइटिंग हियर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सो यू अंडरस्टूड, सो वेरी सिंपल, ये सर्कुलर फॉर्म में फाइंड की गई। सेकेंड, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग फाइंड की गई, और मिडिल में यूनिफॉर्म भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की गई, राइट? मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालें, कि अगर हम चाहते हैं कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए एक तो ये जो कॉइल है, कॉइल में अगर हम सिंगल कंडक्टर ले रहे हैं या नंबर ऑफ कंडक्टर्स ले रहे हैं, सो वेरी फर्स्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स।
which are we are using in circular coil. ये जो circular coil है, जितने ज्यादा number of turns लेंगे उतनी ज्यादा magnitude बढ़ेगा, किसका? Magnetic field का. Also, magnetic field को B से denote करते हैं. If I'm just using, I'm just flowing very strong current. अगर मैं coil से current बहुत strong flow करूँगा, then also magnetic field का जो magnitude है, वो भी strong होगा. ओके, जैसे जैसे मैं करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इधर वीक इधर जाता जाऊंगा, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएंगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आर की आर अगर इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये देखिए इंक्रीज करता जा रहा हूं, सो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब मैंने इन तीनों को कंबाइन किया, देन व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट आई एम गेटिंग, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल and directly proportional to current flowing through the coil and inversely proportional to the distance from the current carrying conductor. So distance is increasing, magnetic strength will opposite. Okay, if it is decreasing, so it will increase, or it is increasing, so it will decrease. You understood this? Now, अब हमें ये बताना है, इफ इट इज क्रिएटिंग करंट कैरिंग कॉइल इज क्रिएटिंग मैग्नेटिज्म, सो इट रिक्वायर्ड पोल्स आल्सो. सो जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्रंट वाला पार्ट साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और बैक साइड वाला पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. ये हमने कैसे पता किया, तो इसके लिए हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए हमने एक रूल यूज किया, एंड दिस रूल इज नोन एज अ क्लॉक रूल. क्या कहेंगे इसको, क्लॉक रूल. This rule is known as a clock rule. तो हमने क्या किया? ये circular coil है, इसमें current जब flow करवाया and current is flowing in clockwise direction. और अगर हम front से देख रहे हैं, so when current is flowing in clockwise direction, then front part of the coil will behave like a south pole. कौन सा pole behave करेगा? South pole. याद रखिएगा. अगर and क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इफ करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन इफ वी आर सीइंग फ्रॉम द फ्रंट, देन फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल. दैट्स व्हाई इफ वी आर सीइंग हियर, सो फेस पार्ट, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर, सो फेस पार्ट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड बैक साइड पार्ट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल ऑफ द magnet. Understood? Right? So, if you understood this, then we go through for next topic, with next topic. So, I erase this. So we will see next topic. In next topic, a magnetic field due to current carrying solenoid. Solenoid. Have you heard about solenoid? I think you did not hear about solenoid. So solenoid is what? Insulated copper wire which is having number of turns and the diameter of each circle is negligible as compared to the लेंथ ऑफ दी सोलेनोइड. राइट, तो अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड. ओके, देखते हैं. देखिए डायग्राम बनाते हैं हम. बैटरी, राइट, बैटरी में मुझे नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ऐसे ले लिए, राइट. सो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, करंट इज कमिंग इन दिस मैनर, ये डॉटेड लाइन्स में, ये बैक साइड वाला पार्ट है, इसलिए डॉटेड लाइन में बता देता हूँ, ये करंट ऐसा रहा है, ये बैक साइड पार्ट है, तो इसको डॉटेड लाइन में बता देते हैं, राइट.
So in this manner current is flowing, right? So if I am using right hand thumb rule, so this, if this is a circular coil, circular coil में हम curled fingers को current की direction consider कर सकते हैं और thumb को magnetic field की direction. जब हम right hand thumb rule को use करेंगे तो जिधर positive pole होगा, ये देखिए magnetic field ऑलवेज कैसी जाएंगी, स्टेप्स बनती जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं. एंड नियर अबाउट कैसी बनेगी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. तो जब मैं इसको स्टेप्स से आउटसाइड ऑब्जर्व करता हूं, सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, बिकॉज देखिए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल. तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड थंब रूल से यूज कर सकते हैं, तो सर्कुलर कॉइल से अगर हम कंसीडर करें कि करंट इज फ्लोइंग, देन कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए ये ऐसा मैंने स्टेप्स लिया, तो ये करंट की डायरेक्शन बता दी, ये मैग्नेटिक फील्ड की. एवरी टाइम इट इज जस्ट मूविंग इन दिस मैनर. सो आउटसाइड आई एम जस्ट सीइंग इन दिस मैनर. सो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या ऑब्जर्व की गई है, north to south and side south to north. So this direction is representing south, this is behaving like as a magnet. So magnet ka ye pole kaun sa behave kar raha hai, south pole. And ye dotted line mein bataiye, back side part hai, ye sara back side part hai aur ye front part hai. Dekhiye sabhi ka main front part thoda sa dark kar deta hu. Yes, so south pole side, पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एज अ साउथ पोल एंड नेगेटिव साइड एज अ नॉर्थ पोल. ध्यान रखिए, सो इट इज बिहेविंग, दिस करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट. देखिए बार मैग्नेट को भी एक बार हम बना लेते हैं, याद रहेगा. देखिए ये साउथ पोल ले, ये नॉर्थ पोल ले, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसी देखी थी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. Yes, so this is magnetic field. So this current carrying solenoid behaves like a bar magnet, because it is, bar magnet has also two poles, north and south, and this current carrying solenoid is also having two poles, north pole and south pole. Clear hai sabhi ko? Chaliye. To iski magnetic field hum kaise calculate karenge? So magnetic field magnitude. Magnitude of magnetic field when current is flowing is through a solenoid. Right? ये length of the हम solenoid consider कर रहे हैं. Suppose length of the solenoid is L and number of turns in the solenoid is small. ये pole है ना, तो pole को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, क्योंकि मैं capital L को number of turns भी कहने वाला हूँ. So I hope you understood this. तो magnitude कैसे निकालना है, तो magnitude के लिए हमने क्या किया, B मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन आई, और इसके इनसाइड मीडियम क्या एंटर कर रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना. तो मीडियम के कि इसमें हमने कौन सा मटेरियल लिया है, तो अगर मैं देखूं ये एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड. एक कॉइल होती तो हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते, लेकिन देर आर नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसको हमें लेना पड़ेगा नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. यस, आई इफ यू आर जस्ट इंक्रीजिंग करेंट देन मैग्नेटिज्म आल्सो विल बी इंक्रीजिंग, एंड इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑल फील्ड लाइंस यू आर जस्ट सीइंग इन पैरेलल फॉर्म. And this will behave like a bar magnet. So you understood? So हमारे लेवल के लिए
ये इतना कॉन्सेप्ट, या इसी को हम लिख सकते हैं B directly proportional to N upon L I. नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और सोलेनोइड की अगर लेंथ हमने बढ़ा दी और नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट सेम रखा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा. यस, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सोलेनोइड. सो व्हाट इज द बेनिफिट, अभी हम इसमें थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाई वी आर यूजिंग सोलेनोइड, why we are not using this type bar magnet or permanent magnet nowadays in number of devices, because in this manner we want to make a very strong magnetism, so we can create, because if we are just increasing number of turns then magnetism can be increased, if we are increasing current through the coil or number of coils then we can increase magnetism. So I hope you understood magnetic field due to current carrying solenoid also. Okay. Thank you so much. I will see you in next video.